भ्रामरी प्राणायाम आपको बताते हैं। तीन बार भ्रामरी करेंगे, तीन बार उद्गीत, फिर थोड़ी देर सांसों के साथ ध्यान करेंगे, धीर और सूक्ष्म हो जाएगा उसमें सांस। फिर आगे प्राणायाम की प्रक्रियाएं आपको बताएंगे। पहली उंगली माथे पर होगी, शेष तीन उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद होगा। लंबा गहरा श्वास लेंगे और भ्रमर की तरह ध्वनि करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आज्य चक्र में मन को टिकाएंगे और आज्य चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में भगवान की महिमा को अनुभव करेंगे। ये सत्य है कि सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, सबके भीतर समाने वाला और अंत में सबको अपने भीतर समा लेने वाला परमात्मा है। उस परमात्मा के साथ हम एकाकार हो जाते हैं। परमात्मा के दिव्य ज्ञान से, दिव्य शक्तियों से, दिव्य सुख से, दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य से, भगवान की दिव्यताओं से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे जब भाव से करते हैं तब ये भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम, फिर श्वासों के साथ ध्यान जब हम करते हैं तो भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो ये ध्यानात्मक प्राणायाम है। कान बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नादनासिका से पहले भ्रामरी। अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओ का उच्चारण लगभग 15 सेकंड में, मैं का उच्चारण लगभग 5 सेकंड में। ओ मौन हो जाए, कंप्लीट साइलेंस श्वासों के साथ मन को टिकाते। जैसे ही साक्षी होकर, दृष्टा होकर, एकाग्र चित्त होकर प्राणों को देखते हैं तो प्राण दीर्घ और सूक्ष्म हो जाते हैं।
शरीर इंद्रियों और मन के पार हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। हमारा मूल स्वरूप है आनंद में, शांति में, ज्ञान में, प्रेम में, करुणा में, वात्सल्य में, योग चित्तवृत्ति निरोध। अपने स्वरूप से जुड़ना, अपनी निजता से जुड़ना, जहां सब प्रकार की पूर्णता है, दिव्यता, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप व्यवस्था। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान करते हैं, श्वास लेते समय मन ही मन ओम का ध्यान करते, श्वास छोड़ते समय मन ही मन ओम का ध्यान करते, भगवान के साथ एक रूपता, एकत्व। जब ओम ओम का ध्यान करते हैं तो ओम के साथ एकाकार हो जाते हैं। ओम के साथ एकाकार होने का अर्थ ओम के, भगवान के, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर परमात्मा के, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी, दया कृपा परमात्मा, भगवान के ज्ञान से, भगवान शक्ति सामर्थ्य से, भगवान के दिव्य सुख से, दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य से, भगवान के दिव्यताओं से जुड़ जाते हैं। यही है ध्यान, भगवान की दिव्यताओं के साथ जुड़ जाना, यही योग है, जुड़ना, भगवान की दिव्यताओं से जुड़ना। और इसी से हमें फिर दिव्य जीवन की प्राप्ति हो। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में गणना, दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा का अंजन आंखों पर, चेहरे पर करके आंखें खोल, ये योग का एक चरण पूरा हुआ। हम सात मुख्य प्राणायाम और अंत में श्वासों पर ध्यान, ये आठ प्रक्रियाएं करवाते हैं। फिर सात और प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं, एक होती है शीतली प्रक्रिया, शीतली प्राणायाम, जीवा को बाहर निकालो, शीशी की आवाज से श्वास को अंदर भरा और अंदर रोक के रख लिया, यथाशक्ति रोकने के बाद नाक से छोड़ दिया, ये शीतली प्राणायाम। जीवा बाहर निकाल के शीशी की आवाज करती है, श्वास भरना और बाहर छोड़ दे। दूसरा शीतकारी, ये पहला शीतली, दूसरा शीतकारी। शीतकारी में दांत बंद, ओष्ठ खुले हुए और अंदर रोक करके रखते हैं यथाशक्ति, श्वास को अंदर रोकने के बाद फिर नाक से छोड़ देते। ये दो ठंडक देने वाले विशेष प्राणायाम। एक और शीतलता देने वाला प्राणायाम, उसको चंद्रभेदी कहते हैं, बाएं नाक से श्वास लेना, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में ध्वनि रहित प्राणायाम, साउंडलेस ब्रीदिंग, साउंडलेस ब्रेथ। बाएं से लिया, फिर यथाशक्ति अंदर रोक करके दाएं से छोड़ दिया। धीरे धीरे लेना, ये एक राउंड हो गया, बाएं से लिया, अंदर रोक करके रखा यथाशक्ति और दाएं से छोड़ दिया, ये चंद्रभेद। ये तीन प्राणायाम ठंडक के लिए,
शरीर में शीतलता को बढ़ाने के लिए, पित्त जनित रोगों का प्रशमन करने के लिए, जिनको गुस्सा बहुत आता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, नींद अच्छी नहीं आती है, शरीर में गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, उसके लिए शीतली शीतकारी चंद्रवेदी। अब सूर्य भी दी शरीर में गर्मी के लिए, जिनको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, जिनको ठंड बहुत लगती है, कफ बढ़ा हुआ है शरीर में और वात रोग बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी अच्छा होता है सूर्य ब्रीदिंग। दाएं से लिया धीरे धीरे, साउंडलेस ब्रीदिंग, कोई ध्वनि नहीं होगी, प्राण की कोई ध्वनि नहीं। फिर श्वास को अंदर रोक दिया, पहले थोड़ा रोक पाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास से श्वास को रोकने का कालखंड बढ़ता जाता है, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। ये सूर्य भेदि प्राणायाम हो गया, एक राउंड हुआ इसका, ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 राउंड तक कर सकते हैं। अब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, एक तो अनुलोम विलोम था, लिया और छोड़ दिया, लिया और छोड़ दिया, अल्टरनेटिवली अब रोक करके रखना, ये नाड़ी शुद्धि होता है। दाएं हाथ उठाएंगे, दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे, मेरे साथ साथ सभी करेंगे, धीरे धीरे लेना, लगभग 10 से 15 सेकंड श्वास को अंदर लेने में वक्त लगेगा, 10 से 15 सेकंड का समय। अब अंदर रोक करके रखना श्वास को, अंदर रोक के रखिए, नाक से धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे, साउंडलेस ब्रीदिंग, बहुत धीरे बहुत धीरे, एकदम से ना छूटे श्वास, एकदम से छूट जाता है यदि ध्यान नहीं दे तो। पूरा श्वास निकल गया, धीरे धीरे श्वास अंदर भरना, धीरे धीरे, धीरे धीरे श्वास अंदर भरना, अंदर भर करके रखना श्वास। बाएं से धीरे धीरे छोड़ना, ऐसे धीरे धीरे, फिर कालखंड बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे लेने का, अंदर रोकने का, धीरे धीरे छोड़ना। तो यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, फिर आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को अंदर भर करके अंदर रोक करके रख दिया, इसमें जाल अंदर बंद लग जाए और मूल बंद भी साथ में लगा सकते हैं, बाह्य प्राणायाम में तीनों बंद लग जाते हैं, इसमें 2 बंद लगेंगे, मूल बंद और जाल अंदर बंद। श्वास को पहले 15-20 सेकंड, फिर आधा मिनट, फिर 1 मिनट, धीरे धीरे 1.5-2 मिनट तक रोक सकते हैं ऐसे। आइए लंबा गहरा श्वास भरिए, Thank you.
अब छोड़ दीजिए। धीरे धीरे छोड़ देना, ऐसे इसको अधिक बार कर सकते हैं, 3-5-7 बार कर सकते हैं। जिनके फेफड़े बहुत कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है अभ्यंतर प्राणायाम। बल बहुत अधिक बढ़ता है इससे, सीना से उभरा हुआ हो जाता है, जिनका सीना सिकुड़ा हुआ होता है, कई तरह की कई समस्याएं होती हैं फेफड़ों से संबंधित, छाती से संबंधित, कई तरह के रोग होते हैं उन सब के लिए। अब प्राणायाम की ये आज के सत्र की अंतिम प्रक्रिया है। लंबा गहरा श्वास भर के नाक बंद कर लें, मुंह तो बंद है ही, अब हवा का दबाव कान के पर्दों तक आएगा, श्वास को बाहर की ओर धक्का देंगे। ऐसे 2-3 बार धक्का दिया और छोड़ दिया। तो ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। कई बार तेज ध्वनि से पहाड़ों में अथवा जहाज आदि में कान गुम से हो जाते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा है। आप लोगों को तो इसकी कई बार आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपको प्राणायाम के बारे में विशेष बता दिया। वैसे योग में प्राणायाम और ध्यान की सर्वोच्च प्राथमिकता हम रखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं चाहे दैहिक रोग हैं या मानसिक रोग हैं, उन सब के उपचार की दृष्टि से बात करें या अपने अंतःशक्तियों को जागृत करने की दृष्टि से बात करें, जीवन को दिव्य बनाने के साधन के रूप में हम योग की विधियों की बात करें, तो उसमें प्राणायाम और ध्यान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको सूक्ष्म व्यायाम, फिर व्यायाम, फिर आसन, इनके बारे में बताते हैं। पैरों को सामने खोल लेंगे आप। सबसे पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अंगुलियों को, अंगूठों को ऐसे दबाया, अंगुलियों अंगूठों को आगे दबाना, पीछे दबाना, फिर पूरे पंचों को एक एक अंग का 10-10, 20-20 बार ऐसे व्यायाम कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ व्यायाम करना है। फिर आसनों में आगे झुकते समय श्वास बाहर, पीछे झुकते समय श्वास अंदर, दाएं बाएं झुकते समय एक बार श्वास अंदर भरते हैं फिर श्वास को छोड़ देते हैं, ऊपर उठते समय भी श्वास को एक बार अंदर भरते हैं फिर छोड़ देते हैं। जब शरीर की स्थिति सामान्य होती है तो श्वास की गति भी सामान्य है। जैसे कोई भी एक आसन में शीर्षासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं, पद्मासन कर रहे हैं, लंबे समय तक किसी एक स्थिति में रुके हुए तो श्वास की गति सामान्य है। शरीर की गति सामान्य तो श्वास की गति भी सामान्य। जब किसी भी एक आसन में लंबा ठहरते तो भी श्वास की गति सामान्य हो जाती है। आगे झुकते समय श्वास बाहर छोड़ते हैं, उसे ठीक से झुक पाते हैं। फिर झुकने के बाद एक स्थिति में रुक गई तो फिर भी वहां पर भी श्वास सामान्य लेते रहते हैं। पीछे झुकते समय श्वास अंदर भरते हैं, श्वासों का नियम हो गया। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए पैरों। सावधानी, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकते, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकते। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है तो कोई भी योगाभ्यास जोर जबरदस्ती नहीं करते, आराम आराम से करते। ऐसे सीधे बैठ करके योग की क्रियाएं करते हैं, इसको दंडासन कहते हैं, ऐसे सीधे बैठने को। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ही दंडासन में बैठ करके हो रहा है अभी। अब सूक्ष्म व्यायाम माने शरीर की एक एक संधि के लिए जो व्यायाम किया जाता है उसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो ये अंगुलियों के लिए, अंगूठों के लिए, पंजों के लिए, टखने के लिए किया। अब घुटने के लिए व्यायाम करते हैं, तो एक तो यही घुटने का व्यायाम हो गया, और एक घुटने का ये व्यायाम हो जाता है। दाहिने पैर को उठा के बाएं पर रख लेते हैं, और अब एक हाथ घुटने के ऊपर, एक हाथ पंजे के ऊपर। जब घुटने को नीचे दबाएंगे तो घुटने के ऊपर होगा ऐसे हाथ, और जब घुटने को ऊपर उठाएंगे तो घुटने के नीचे हाथ लगा लेंगे ऐसे। श्वास
लंबे लेते रहे छोड़ते रहे बस। अब दूसरे पैर से पूरे शरीर को नहीं हिलाना, खाली ऐसे घुटना ऊपर आएगा और नीचे जाएगा। अब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे। अब ये घुटने के लिए था, अब पेट और पीठ के लिए, आगे पीछे ऐसे। कोहनियां सीधी, मुट्ठियां देखो अंगुलियों को इंटरलॉक करके रखें, ऐसे बांध करके रखें। घुटने सीधे रहें, आगे जाते हैं तो पैरों के पंजों के ऊपर से आते हैं, पीछे जाते हैं तो जंघाओं के ऊपर से आते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से, इतना तो सभी कर सकते हैं। पूरा जाने में फिर पैर आगे से उठ जाते हैं, ऐसे गए तो पैर उठ जाते हैं, जब पीछे गए तो ऐसे, ऐसे नहीं होना। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है, हल्का व्यायाम है पेट के लिए पीठ के लिए। तो इससे पेट पीठ बहुत अच्छा हो जाता है। फिर दोनों हाथ साइड कंधों के बराबर, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, एक बाएं हाथ पीछे ऊपर, उसको देखिए रुख बाहर की ओर है, फिर दूसरी ओर से दो ऐसे, पीछे वाले हाथ को देखिए ऐसे हथेली का रुख बाहर की ओर, और उस ऐसे देखिए हाथ को, हथेली को देखिए, फिर दूसरी ओर से एक दो, लंबा लंबा श्वास। ऐसे। अब दोनों पैरों को तलवों से मिला लेंगे, ये बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन हो गया। दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक किया, दोनों पैरों को तलवों से मिला रही है, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पंजे से पंजा ऐसे। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है उनके घुटने जमीन पर टिक जाएंगे, अब जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है उनके थोड़े यहां या ही लेंगे, इससे नीचे ही नहीं आते किसी किसी के, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, फ्लेक्सिबिलिटी तो ऐसे हो जाएंगे। जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो पैर की एड़ियों पर आप बैठ जाते हैं, पैर की एड़ियों पर ऐसे बैठ गए और दोनों हाथ ऐसे रख, ये भद्रासन हो। अब इसमें तो है तो हल्का सा ही, लेकिन अब इसी में ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो ही बैठ पाते हैं। खैर, अब हाथों के लिए सूक्ष्म है, ये उंगलियों के लिए, अंगूठों के लिए। फिर पहले में तो ऐसे मोड़ते हैं, फिर दूसरे में ऐसे किया, तो एक एक करके क्रम से हम सूक्ष्म व्यायाम या हल्के हल्के व्यायाम करा रहे हैं। फिर तीसरा ऐसे घुमा देते हैं, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुठ्ठियां बदलो, ऐसी मुठ्ठियों को गोल गोल घुमा दिए, कोहनियां सीधी रखी, दोनों हाथ छाते के बराबर, कंधों के बराबर दोनों हाथ है, समानांतर कंधों की समानांतर हाथ है। फिर ऐसे दोनों हाथ सामने खोल दीजिए, ये कोहनियों के लिए। अब दोनों हाथ साइड से, Yeah.
अब दोनों हाथ की उंगलियां अंगूठे कंधों के ऊपर, दोनों कोनियां सामने मिली हुई। ये स्कंध संचालन हो गया। स्कंध बोलते हैं कंधे को संस्कृत में। योग के सारे नाम संस्कृत पर आधारित हैं, आसनों के, सूक्ष्म व्यायाम के, व्यायाम के, प्राणायाम के, ध्यान के, जो भी नाम हैं, क्योंकि योग तो संस्कृत और हमारी प्राचीन संस्कृति पर आधारित एक बहुत ऊंची विद्या है। फिर दूसरी ओर कम से कम पांच पांच बार एक एक अभ्यास कर सकते हैं ऐसे। जिनको जोड़ों में दर्द हो उनको 10-10, 20-20 बार ऐसे करा लेना, करवा देना चाहिए। फिर दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं। सिर के पीछे से हाथों को ऐसे खींचते, सिर के पीछे पीछे वाले हाथ की कोहनी आ जाएगी, गर्दन सीधी रहेगी, ऐसे खींचे अधिक, फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर दूसरी ओर से। श्वास भर के अंदर फिर खींचते ना तो अच्छे से होता है। छोड़ दीजिए ऐसे 2-3 बार से लेके 5 बार तक कर सकते हैं।